नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MC MCR इंस्ट्रक्शन को टाइमर और काउंटर के साथ यूज़ करके देखेंगे और देखेंगे कि MC MCR इंस्ट्रक्शन टाइमर और काउंटर के साथ में किस तरह से बिहेव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे LDX0, तो लिखना है LDX0। इससे हम MCN0 एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फिर एक नेटवर्क ऐड करेंगे, फिर एक हम टाइमर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए एक इनपुट है LDX1। X1 के बाद TMR T0 200। मान लिया जाए कि हम 20 सेकंड का एक टाइमर यूज़ करते हैं और इस टाइमर से किसी आउटपुट को ऑन कराते हैं, तो लिखना पड़ेगा LDT0 आउट Y0। Y0 एक आउटपुट है जो कि X1 के ऑन होने के 20 सेकंड के बाद ऑन होता है, ठीक है। ये एक टाइमर का लॉजिक है, इस तरह से लिखा जाता है। टाइमर के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको उन सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक Y0 है, हम एक और नेटवर्क ऐड करेंगे, उसमें हम सेट रिसेट यूज़ करने वाले हैं। लिखना पड़ेगा LDT0। इसी टाइमर के आउटपुट से हम करेंगे सेट Y1, ठीक है ना। सेट Y1 करेंगे, उसके बाद एक हम रीसेट के लिए अलग से बिट यूज़ कर सकते हैं, LDX2 रीसेट Y1, RST Y1। हम इस लॉजिक में ये देखने वाले हैं कि टाइमर नॉर्मल कॉइल के साथ किस तरह से बिहेव करता है और सेट और रीसेट कॉइल के साथ किस तरह से बिहेव करता है। अब एक नेटवर्क ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे MCRN0। MCMCR इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है हमने। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल द प्रोजेक्ट ऑनलाइन मोड, ठीक है। देखिए, यदि मैं MC इंस्ट्रक्शन को यूज़ करता हूँ, MCMCR का बेसिक मैंने बता दिया है, MC इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के बाद यदि टाइमर को ऑन करता हूँ, मतलब टाइमर के इनपुट को ऑन करता हूँ, तो टाइमर ऑन हो जाता है, ठीक है ना। टाइमर ऑन होने के बाद 20 सेकंड के बाद ये आउटपुट ऑन होता है, लेकिन इन केस ऑफ मैं बीच में ही MC इंस्ट्रक्शन को ऑफ कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर T0 = 0 हो गया है। फिर एक बार इसे ऑफ करता हूँ, फिर से MC इंस्ट्रक्शन को ऑन करता हूँ। MC को ऑन करने के बाद यदि फिर से X1 को ऑन करता हूँ, अब हम देखते हैं कि इस टाइमर को कंप्लीट होने के बाद ये सेट और रीसेट में किस तरह से बिहेव करता है। टाइमर के साथ हमने देख लिया है कि यदि टाइमर ऑन है, टाइमर की काउंटिंग अभी चालू है, और यदि बीच में हमने MC इंस्ट्रक्शन को ऑफ कर दिया है, तो टाइमर रीसेट हो जाता है, जीरो वैल्यू हो जाती है उसकी, ठीक है ना। टाइमर कंप्लीट होने के बाद Y0 भी ऑन होता है और Y1 भी सेट होता है, ठीक है। ये एक ऑन होता है, एक सेट होता है। अब यदि मैं X0 को ऑफ करता हूँ तो क्या हुआ, देखिए X0 को ऑफ किया तो Y0 ऑफ हो गया है, लेकिन जो सेट वैल्यू है वो सेट रहेगी। ये सेट क्यों रहेगी, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। ये एक इनपुट है, इनपुट ऑफ हुआ है, आउटपुट अभी सेट है। अब देखिए, यदि मैं X2 को प्रेस करता हूँ तो Y1 रीसेट नहीं होता है, क्योंकि हमने MC इंस्ट्रक्शन को अभी एक्टिव नहीं किया हुआ है। यदि इस फंक्शन को मैं एक्टिव करता हूँ, तो उसके लिए यहाँ से इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद फिर X2 को प्रेस करेंगे, तब जाके ये रीसेट होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, हमने टाइमर के साथ तो देख लिया है कि सेट रीसेट में सेट रहता है और जो टाइमर की वैल्यू है, MC इंस्ट्रक्शन को बीच में ऑफ कर देने पर रीसेट हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको काउंटर के साथ देख लेते हैं, तो एक बार ऑफलाइन करेंगे। यहाँ पर हम एक नेटवर्क ऐड करेंगे काउंटर के लिए, तो Ctrl Shift I, लिखना है LDX3। हमारे पास कोई तीसरा एक इनपुट है, उससे हम कराएंगे CNT C0 Space 5। मान लिया जाए कि एक काउंटर है जिसकी वैल्यू 5 है, 5 वैल्यू कंप्लीट होने के बाद LDC0, इससे कोई आउटपुट ऑन होता है, आउट Y2, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार चेक करते हैं कि काउंटर की वैल्यू रीसेट होती है या नहीं, ठीक है। कंपाइल द प्रोजेक्ट ऑनलाइन, देखिए अभी प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यदि मैं X0 को ऑन करता हूँ, एक बार X0 को ऑन किया है, इसके बाद टाइमर तो ऑन हो ही जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं टाइमर ऑन हो जाएगा। हमें देखना है इसमें काउंटर क्या बिहेव करता है। तो पहले एक बार मैं काउंटर को ऑन करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। मान लिया जाए हमारे काउंटर ने 3 काउंटिंग कर ली है, ठीक है ना।
इसके बाद यदि मैं एक्स जीरो को ऑफ कर देता हूँ, देखिए ये एक्स जीरो को ऑफ कर दिया, एक्स जीरो को ऑफ करने के साथ में टाइमर रीसेट हो गया है, लेकिन काउंटर को देखते हैं, काउंटर सी जीरो इक्वल टू थ्री है, मतलब काउंटर रीसेट नहीं होता है। अब काउंटर रीसेट क्यों नहीं होता ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसे हम ऑन करेंगे, सबसे पहले एक्स जीरो को ऑन करेंगे, यदि टाइमर को देखिए, इसे मैं एक बार ऑफ करता हूँ फिर एक बार ऑन करता हूँ, टाइमर का इनपुट जब तक मिलता रहता है वो काउंटिंग चालू रखता है, जब टाइमर का इनपुट ऑफ हो जाता है तो ये टाइमर की वैल्यू को ऑटोमेटिकली रीसेट कर देता है, उस वजह से एक्स जीरो ऑफ होने पर टाइमर भी रीसेट हो जाता है। दूसरा काउंटर में देखिए, जब काउंटर को हम ऑन करते हैं तो वो काउंट कर लेता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, उसके बाद यदि उसे ऑफ करते हैं, इसके इनपुट को हम यदि ऑफ करेंगे तो काउंटर रीसेट नहीं होता है। तो मतलब ये जो काउंटर है ये रीसेट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं एक्स जीरो को प्रेस करता हूँ, सॉरी एक बार और इसे ऑन कर लेते हैं ताकि काउंटर की वैल्यू कंप्लीट हो जाए, एक बार इसे ऑन करता हूँ तो ये वाई टू ऑन हो जाता है, उसके बाद एक बार मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो इस काउंटर की वैल्यू 5 रहती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक्स जीरो को ऑफ करके, एमसी इंस्ट्रक्शन को हमने एक बार ऑफ किया, ऑफ कर दिया, अब देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए वाई टू ऑफ हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह से आउटपुट है, ये काउंटर ने काउंट जरूर किया हुआ है लेकिन यहाँ पर हमने इस वैल्यू को सेट नहीं किया है, ये एक तरह से आउटपुट है, नॉर्मल क्वाइल है, और नॉर्मल क्वाइल जो होती है वो क्वाइल रीसेट हो जाती है, वो क्वाइल ऑफ हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब मैं इसको आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। दोस्तों डेल्टा पीएलसी के मैनुअल में भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी किस तरह से डिटेल मिलती है आपको मैंने किसी वीडियो में बताया हुआ है। टाइमर के लिए देखिए, द काउंटिंग वैल्यू इज बैक टू जीरो, ये सेट बैक हो जाती है, जीरो पर चली जाती है, द क्वाइल एंड द कॉन्टेक्ट आर बोथ टर्न ऑफ, इसके साथ में जो भी कॉन्टेक्ट होते हैं वो टर्न ऑफ हो जाते हैं टाइमर के केस में। यहाँ पर एक्यूमुलेटिव टाइमर है, मतलब एक तरह से ये एटीएमआर है। एटीएमआर क्या होता है इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ, एक तरह से स्पेशल पर्पस टाइमर होता है, इसकी कंडीशन में भी क्वाइल ऑफ हो जाती है लेकिन टाइमर की वैल्यू एंड कॉन्टेक्ट स्टे एट देयर प्रेजेंट कंडीशन। एटीएमआर टाइमर चार तरह के आउटपुट देता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो प्रेजेंट रहती है उसी कंडीशन में। अब काउंटर के साथ में देखिए, द क्वाइल इज ऑफ, मतलब आउटपुट क्वाइल जो होती है वो ऑफ हो जाती है, एंड जो काउंटिंग वैल्यू होती है वो स्टे एट देयर प्रेजेंट कंडीशन, वो काउंटिंग वैल्यू रीसेट नहीं होती, वो जितना काउंट किया होता है उतना ही होता है, ठीक है ना। क्वाइल जो होती है वो सारी हमारी ऑफ हो जाती है, मतलब जो हम आउट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो क्वाइल सारी टर्न ऑफ हो जाती है, और जो हम सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसमें सारी कंडीशन, यदि हमने सेट की हुई है वैल्यू तो वो सेट रहती है, रीसेट की हुई है तो वो रीसेट ही रहती है, वो स्टे प्रेजेंट कंडीशन में रहता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं ये हम आने वाले वीडियोज में देखने वाले हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा काउंटर और टाइमर के साथ में एम सी एम सी आर इंस्ट्रक्शन किस तरह से बिहेव करता है, हमने एम सी एम सी आर इंस्ट्रक्शन को नॉर्मल आउटपुट मतलब आउट वाई जीरो के साथ में भी प्रोग्राम बना के देखा है वो किस तरह से बिहेव करता है, और सेट रिसेट के साथ में भी देखा है, और टाइमर की जो वैल्यू होती है वो रीसेट हो जाती है, काउंटर की वैल्यू स्टे प्रेजेंट, जो वैल्यू उसने काउंट की हुई होती है वो रीसेट नहीं होती है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।